ये तो प्यार का कोई मतलब नहीं होता, प्यार तो बस प्यार होता है। चाहत, जब किसी के लिए दिल में चाहत पैदा हो जाती है ना, तो उसे लफ्जों से नहीं कहा जाता, उसे बस महसूस किया जाता है। जब तक आप आएंगे हमारी नजरें हमारे रूम के दरवाजे पर टिकी रहेंगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने कमरे में मेरे साथ होंगे। कुछ ऐसा समझ लीजिए, वैसे फिलहाल तो हम आपकी तस्वीरों के साथ ही रह रहे हैं, लेकिन वक्त आने पे आपके साथ भी रहेंगे। और वैसे याद है ना मैडम आपको, अगर आज की ये बाजी आप हार गई तो शर्त लगाइए आपने, हम जो कहेंगे आपको वही करना होगा। ये लीजिए हमारी अगली चाल, संभालिए अपने आप को। ये हुआ चेक और ये मीट। आपसे तो हारी हूं ना, बताइए क्या करना है। हम आपको अपनी बाहों में देखना चाहते हैं। अब तो आप खुश हैं ना, मैंने आज का पूरा दिन आपके साथ बताया। तो हम आपके साथ सिर्फ ये एक दिन नहीं, पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। लेकिन विक्की, अगर मैं आपके घर वालों को पसंद नहीं आई तो हमारी जिंदगी का फैसला हम खुद करेंगे, हमारी माँ ने कहा है। और अगर आपने मुझे शादी के बाद छोड़ दिया तो? ऋतु, हमने आपसे प्यार इसलिए नहीं किया क्योंकि हम आपको छोड़ दें, हमारी हर खुशी के पहले हम आपकी खुशी का ख्याल रखें। धोखा, मैंने विक्की की आंखों में दिखाई देने वाली सच्चाई पर यकीन किया, उस सच्चाई के पीछे छुपे झूठ को मैं क्यों नहीं देख पाई? क्यों एक बार भी उसकी मासूमियत के पीछे छिपी हुई बुरी नियत पर मैं नजर नहीं जा पाई? क्यों? मुझसे ऐसी भूल क्यों हुई? क्यों नहीं पहचान पाई मैं उस धोखेबाज को, उसकी असलियत? मैंने उसकी चाहत पर यकीन कैसे कर लिया? कैसे?
कुछ जानी कुछ।